आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि क्यों हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन करते वक्त ये अक्सर होता है कि हम आफ्टर स्पीकिंग अ फ्यू सेंटेंसेस यू पीपल गेट स्टॉप। उसके पीछे रीजन क्या है, कौन सी चीज़ हमें नहीं आती कि हम रुक जाते हैं। देखो माय डियर, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर वन, ये हो सकता है कि आपको जब आप कम्युनिकेट करते हो तो उस समय आप सही वर्ब की फॉर्म, ये कौन सी वर्ब की फॉर्म को कहाँ पर रखना है, इस तरह की कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चलती है और आप उसको सही तरह से रख नहीं पाते हैं और आप कनेक्ट नहीं हो पाते। सेकंडली, ये हो सकता है कि आपके पास कनेक्टर नहीं हो, कनेक्शंस नहीं हो, जिनको आप एग्जैक्ट टाइमिंग पे यूज नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है, आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट नहीं कर पाते और आप फिर वहाँ पर रुक जाते हैं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि यू डोंट नो हाउ टू यूज इनफाइनाइट वाइल योर कम्युनिकेशन। इनफाइनाइट वर्ब को कैसे यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करने में, या एक पर्सन द्वारा किए जाने वाले काम को, एक व्यक्ति जब एक से अधिक काम को करता है तो कैसे हम किसी एक वर्क को मेन सब्जेक्ट बना देते हैं, मेन वर्ब बना देते हैं और बाकी को हम इनफाइनाइट बनाकर कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको नहीं पता होगी, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही तो यू मस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स, दीज चैप्टर, दीज टॉपिक, स्लोली यू विल सॉर्ट, यू कैन ईजिली ओवरकम फ्रॉम सच प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ हैंगिंग वाइल स्पीकिंग और प्रॉब्लम ऑफ नॉट एबल टू स्पीक लॉन्गर, राइट। इसका यही सोल्यूशन है। गुड लक।